हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। सो गाइज, आज हम ये हल्दीराम का पानी पूरी ट्राई करेंगे जिसकी MRP थी 185 रुपीज़। मेरे लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, तो चलो देखते हैं फिर भी कि कैसा होता है, इस पे पैसे खर्च करना वर्थ है कि नहीं। ठीक है, और इसमें ना 30 पानी पूरी की बॉल्स मिली थी और 2 चटनी के पाउच मिले थे और 1 बूंदी का पाउच मिला था, तो ये इसके अंदर मिला था। ठीक है, तो चलते हैं पानी पूरी का सेटअप लगाने। और गाइस, जब आप अपने पानी पूरी लवर फ्रेंड्स को मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करना, और क्या फैमिली एंड फ्रेंड के साथ भी मेरी वीडियो शेयर करना। वीडियो पसंद आती तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और लगे हाथ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये मुझे मीठी सॉल्ट का पाउच था ये। ठीक है, जो मैंने बॉल में डाला, जो ये अब मैं बड़े वाले बॉल में डाल रही है पानी का पेस्ट, जो कि पानी भी इतना चटपटा और इतना खट्टा सा लग रहा था, अभी भी मेरे मुँह में पानी आ गया, मतलब इतना डिलीशियस लग रहा था। और ये बूंदी निकली थी, मैं आलू की स्टफिंग कह लो, वो थोड़ा ना, मतलब मैं थोड़ा सा आलस कर गई थी, मैंने सोचा कि बूंदी को ही स्टफ करके तो मैं बना के खा लूँगी। तो देखो कुछ इस तरीके से इसमें बॉल्स निकली थी, काफ़ी क्रंची थी, ऐसी नहीं थी सौगी सौगी टाइप्स की, नहीं थी क्रंची थी। बाकी आप ऐसे कॉम्बिनेशन करके ना एक बार पानी पूरी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बूंदी डाल के फिर मीठी सॉल्ट डाल के खा के देखिएगा, बड़ा डिलीशियस लगता है। और क्या कहते हैं, वैसे मैं बताऊँ तो मुझे मीठी पानी पूरी ज़्यादा पसंद है, तीखा ओके ओके लगता है, बाकी मेरा फेवरेट है मीठी पानी पूरी। बाकी खाने में बहुत डिलीशियस था, बहुत ज़्यादा। तो बस थोड़ा देखिए क्रंची कितनी है, कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है ना, क्रंची टाइप की। और आप अपने आइडियाज़ भी मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।